इतने दुखी नहीं होते हैं, बेफालतू इतना स्ट्रेस ले रही हो। देखिए हमारे यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और झमाझम सुबह ही सुबह बारिश होने लगी और देखो आप कितनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है ना, बहुत ज़रूरत थी बारिश की भाई, इतनी गर्मी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। रिशु आज घर पे ही है और रिशु की तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो रहा था ना काफ़ी, और अभी ये देख रही है मूवी। और देखा आपने अभी बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी बहुत दिनों बाद गर्मी भी इतनी भयंकर हो रही थी ना बहुत ज्यादा। और अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, बस मैक्रोनी बनवाई थी रिट्टे ने, मैक्रोनी बना दी, मेरा दूध रखा हुआ है, बाकी भी मुझे बर्तन करने हैं और फ्लोर क्लीन करना है। यहाँ पर मेरा बच्चा नहा धोकर हो गया है रेडी और अब मुझे करना है रिशु के बालों को ड्रायर, क्योंकि बाल जल्दी से ड्राई नहीं होते हैं ना। ठंडा वाला हवा खिला रही हूँ। ये बाल हो गए ड्रायर, अब इन फॉर्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं अभी नहा कर आती हूँ। ओके रिशु, ताशु ट्यूशन नहीं जाना बेटा, चार बजने वाले हैं, 3:30 है पर बज रहे हैं, 3:20 हो रहे हैं आई थिंक। चलो टाइम में भी थोड़ा सा खाना ले आऊँ, अभी मैक्रोनी से भर गया पेट, इन्होंने आकर मैक्रोनी खा ली थी। रिशु आपके लिए ले आऊँ बेटा, 345 पे मुझे ले आऊं आपके लिए, नहीं ओनली दूध ले आऊं है, ऐसे नहीं करते। इधर आओ मैं बताऊं सब्जी क्या बनी है। आप देखो सब्जी मैंने ये बनाई है, ओ शिट, इसमें मैं आलू प्याज टमाटर सब मिक्स करके डालती हूँ ना, वो वाली सब्जी है ये। खानी है ना? क्या खाना, पनीर टिक्का खाना है आज है? चिली पनीर, हाँ कल रात बहुत जिद कर रही थी तो चलो आज बना दूंगी शाम को चिली पनीर, ठीक है? ठीक है, अभी तो पापा आएंगे तो पनीर लेकर आएंगे ना, अभी कैसे। ओके चलो खाना रेडी आ रहा, कोई बात नहीं खुल जाएगी बाद में। तुम उल्टे उल्टे काम क्यों करती हो आप, चलो आओ खाना खाते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग, कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर सब बढ़िया है एकदम। और रिशु को आज काफ़ी हद तक आराम है क्योंकि इस समय जुकाम खांसी बहुत चल रहा है ना, तो दवाई हमने टाइम पे ही दे दी थी, तो रिशु को रिलैक्स है आज, कोई बुखार भी नहीं आया, हमने सुबह ही दे दी थी दवाई, अब दूंगी शाम को। और 4 बजे भी डॉक्टर साहब भी नहीं आए हैं, वो भी बस थोड़ी देर में आने वाले ही होंगे। और अभी हम खाएंगे खाना, पीछे चल रहा है टीवी, ये चादर ओढ़ के ऐसे बैठी रहेंगी, एसी 24 पे चल रहा है, इतना ठंडा लग रहा है, पता सही करवाया ना, जब से ज़्यादा ठंडा कर रहा है, सही से है ना, अच्छा ठंडा कर रहा है। आओ भाई रिशु, मुझे तो लग रही है भूख, आओ जल्दी आप खाना खाते हैं। वो किट को काटने गई है, वो पानी भर दिया, वो भूल नहीं रही। और यहाँ मैं अभी बनाने जा रही हूँ खाना, खाना तो मतलब बन ही गया है, बट अब मैं रोटियां सेक रही हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब आ चुके हैं, तो उनके लिए गर्मा गर्म रोटी सेकती हूँ। नमस्कार सर जी, हालिया खाना, पीली चाय, आज बच्चे गए चिली पनीर के लिए, अभी इन्होंने खाना नहीं खाया है, तो मैं तो करूंगी देखो अपने कपड़ों वपड़ों की तय, अपना घर काम देखूंगी, बाकी चिली पनीर ले आना बना लेना, ठीक है, जो हेल्प होगी मैं करवा दूंगी, वही बनाते हैं। सो गाइस आज ना हिताक्षी की हिंदी लैंग्वेज की बुक नहीं मिल रही है, ताक्षी परेशान और रोती भी लगती घूम रही है, वो वाली अलमारी ने पूरी खाली कर दी, सारे बिस्तर निकाल दिए वहां से, यहाँ मानी लगी हुई है ढूंढने में, कहीं इधर तो नहीं रख दी है इस साइड में, मैंने बाकी की अलमीरा सब देख ली, उनमें भी नहीं है। और अब इन्होंने अपने स्कूल में फ्रेंड से क्लासमेट से पूछा है कहीं उसके पास तो नहीं, इधर देखो पहले आप, परेशान नहीं होते, मिल जा रही, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है, इतने दुखी नहीं होते हैं, बेफालतू इतना स्ट्रेस ले रही हो। कोई बात नहीं मत दिया करो, वहीं के वहीं देखे तुरंत दो मेरी नोटबुक, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है, ये तो होता है, परेशान ना हो, मिल जाएगी बुक,
अगर घर में है तो घर से कहीं नहीं जा रही। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने चीज होती है, हम ढूंढते हैं, वो मिलती नहीं है। मोस्टली ऐसा ही होता है, नहीं है इसमें किसी बच्चे के पास ही होगी फिर। चलो पता चल जाएगा, ठीक है, रो मत। हाँ अगर पता चलेगा तो कल मैम से बोल देना, ठीक है, मैम अपने आप दिलवाएंगी जिस बच्चे पे होगी। ओके, मैम को याद होगा कि टीचर से दिलवाते हैं ना बच्चों से कि तुम अपनी बुक इन्हें दे दो, ये एक्सरसाइज कर लेंगे, आप तो रेगुलर आते हो, आपका काम तो कंप्लीट रहता है, तो जो नहीं आते उनका करवा देती हैं इस तरीके से। बट ये गलत है भाई कि वही उनका काम दो, भाई डेली आओ, उसमें देने की जरूरत क्या है, सारा कुछ तो चैप्टर में ऐसे ही होता है, अपने आप ही तो कर सकते हैं एक्सरसाइज। होता है कि कुछ सीट्स पे ना बुक नहीं होती है, अब जिस सीट पे ज्यादा बुक्स होती हैं तो उसमें से उधर कर दो, उधर पास कर दो, ये तो एक्सरसाइज करने के लिए दे देते हैं इनकी तो, है ना। चलो कोई नहीं, कल अगर नहीं मिली तो मैम से बोलेंगे, ठीक है, परेशान ना हो, नई बुक ले आएंगे वरना परेशान ना हो। दही तो मैंने पैक करवा लिया है और बाकी पतीसा कहाँ है, देसी घी वाला है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ एक ये पैक करवाना है। पनीर कितना लेना है, तो पनीर के लिए बोल दो, पनीर के लिए पैक कर। ये पतीसा आधा किलो, ये पतीसा आधा किलो देसी घी वाला। सो अभी मैं घेवर भी पैक करवा रही हूँ, घेवर का सीजन आ गया, इस बार मैं घर पे बना के ट्राई करूंगी। तो ये हमने अपना सामान ले लिया, अब घर जाकर बनाएंगे चिली पनीर। बच्चे भी कर रहे होंगे वेट, पापा जी हैं घर पे, अभी पापा जी के पास ही रुक रहे हैं बच्चे। टमाटर लेने हैं, बाकी तो अभी सब्जी है। और बताइए, बस टिंडे लूं क्या, टिंडे कैसे दिए, टिंडे 20 रुपए पाव, क्या अच्छा, वो बच्चों के लिए फ्रूट और लेना था, बाबू को सा ये बाबू को सा है ना, हाँ कैसे दिया 120, तुम महंगा दे रहे हो, और सारी दुनिया से अलग रेट लगा रखे। अभी हमने कितना रेट लिया था, कौन सा वाला दे दो, आधा कर देना। घेवर है, पतीसा है, पनीर है, पनीर देसी घी का घेवर। How it's taste? Yummy. Yummy ना? तो देखो, look at here. और दिस इज द फ्रूट्स खा रही हैं अपने, है ना? Always like. Fruit is healthy. Healthy. और ये तो बहुत healthy. I love it. I love it. ये healthy होता है? मीठा होता है ये? इसके के लिए अच्छा नहीं होता? बट सीजनिंग मिठाई है तो अच्छी लगती ज्यादा, है ना, बनाओ। चोटी बना रही थी ना अपनी, सीख रहा था, कल को हेयर कट करवाएंगे, ठीक है, बट कट सैटरडे है, फिर संडे को करवाएंगे, संडे को करवा लेंगे, ओके पक्का। हम ना ज्यादा मिठाई नहीं लेकर आते हैं,
क्योंकि फिर कंट्रोल नहीं होता है, फिर ज्यादा ओवर खाई जाती है, उससे फिर वेट गेन होता है। हम थोड़ी थोड़ी लाते तो नहीं खा सके, जितनी नुकसान ना करे। अरे 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 अरे, बच्चे दोनों सो चुके हैं और यहाँ मैं थोड़ी सी मिठाई और खा लूँ। पता है मैं इसीलिए ज़्यादा मिठाई लेकर नहीं आती, मैं कोशिश करती हूँ कम क्वांटिटी में लूँ जिससे कि कम खाई जाए। वो घेवर आपने बिल्कुल नहीं लिया था, बस थोड़ा सा मैंने, पापा जी ने थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा इसने लिया था, हिताक्षी ने नहीं, इतना नहीं खाया मैंने, थोड़ा सा एक इतना लाए थे हम, एक पाव इधर लेकर आए थे। हाँ हाँ, आधी किलो से मैं थोड़ा कम खा रहा था। हाँ भूल गई थी, देखा था मैंने, बोला था उससे, उसने बोला ज़्यादा कर दे रहा हूँ इतना बैठ रहा है, मैं ठीक कर दो। तो यार क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होता, और इसे खाने से ना बहुत वेट बढ़ता है बहुत जल्दी, है ना। बस यही है, बस एक पीस खा रही हूँ मैं अभी और नहीं खाऊंगी। आप ले रहे हो? सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।